जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा में, जिसकी वैकेंसीज आपकी 2021 में और 22 में दो में आउट की गई थी। जैसे कि आपकी जबलपुर में भी 21 और 22 में दोनों में आउट की गई थी, वैसे ही आपकी टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी की भी दो बार आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। दोनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आने भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं और अभी भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। और एग्ज़ाम की डेट कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। साथ ही एक सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि आपकी जो भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं उनमें आपका कट ऑफ, जो कि आपका परसेंटेज के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं, उसमें वह भी मेंशन किया गया है। तो आपको मैं एडमिट कार्ड में भी दिखाने वाला हूं कि जो कि आपकी कट ऑफ रखी गई है उसी हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएंगे, जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अभी उसके बाद में मैं बताऊं कि आपकी बहुत ही कम समय में ही रह गया है आपका, जो कि आपकी एग्ज़ाम 19 जून की आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। तो इतने कम समय में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आपका कैसे आपका सिलेबस तैयार करें और किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। और आपको मैं पहले ट्रेड वाइज वैकेंसी दिखा देता हूं, जो कि आपकी आउट की गई थी 2021 में, और उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी आपकी एलडीसी के। तो बहुत ही अच्छा चांस है जो भी एलडीसी के जिन कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है और जिनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेडक्वार्टर टू सिग्नल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा में यह वैकेंसीज आउट की गई थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सिविल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की दो वैकेंसी थी, इसमें एससी की एक, ओबीसी की एक, स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड की आपकी एक वैकेंसी थी जो कि ओबीसी की थी। उसके बाद में लोअर डिवीजन क्लर्क, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। मैं सात साल से इस फी पोस्ट पे आपके डिफेंस में काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। क्लर्क मतलब आपका बाबू, जो भी ऑफिस में काम करने वाले बाबू ही इसमें होते हैं, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, जिनकी 17 वैकेंसी थी। टोटल 17 वैकेंसी एक बार में निकलना बहुत ही बड़ी बात होती है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आई थी जिसमें आपकी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आउट की गई थी। इसके बाद में आपकी यह बहुत ही बड़ी अच्छी संख्या वैकेंसी आउट की गई हैं, जिन्होंने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बता सकता हूं। जो भी कैंडिडेट पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इसके बारे में। आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम रहने वाला है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट और जो ऐसे इसमें टेस्ट में वह भी आपका लिखवाया जाएगा, जो कि हाल ही में MCT महू में आपका एग्ज़ाम में लिखवाया गया था, वैसा ही पैटर्न आपका इसमें रखा गया है। इसमें आपकी अदर की 6 पोस्ट थी, SC की 3 पोस्ट थी, ST की 1 पोस्ट थी, OBC की 4 पोस्ट थी, EWS की 2 पोस्ट थी, ESM की 1 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की आप ग्रेड सेकंड की 3rd की आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपकी एक पोस्ट है अदर की। जिसके बाद में सिविल मोटर ड्राइवर, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी थी, अदर की 6, SC की 1, OBC की 3, EWS की 1 और ESM की 1। बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाली एग्ज़ाम रहती है इसमें। जिन कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा गया और जिसका एडमिट कार्ड आ गया, बहुत ही कम कंपटीशन इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई किए गए थे सिविल मोटर ड्राइवर के लिए। इसमें ओनली आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा वाला है, रिटर्न टेस्ट में पास होने के बाद में ओनली आपका ड्राइविंग टेस्ट के बाद में आपका ज्वाइनिंग मिल जाती है इसमें। बहुत ही कम कंपटीशन इसमें देखा जाता है। उसके बाद में MTS चौकीदार की एक वैकेंसी अदर की है। उसके बाद में MTS मैसेंजर की, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। मैसेंजर मतलब आपका ओनली एक डाक बांटना और डाक एंट्री करना आपका बस ओनली काम रहता है। बहुत ही आसान सी जॉब रहती है इसमें, बहुत इजी जॉब और अच्छी आपकी पेमेंट भी मिलने वाली है इसमें। टोटल आपकी 7 वैकेंसी पे निकली थी, जिसमें अदर की 1, SC की 1, OBC की 3 और EWS की 2 वैकेंसी थी। फटिक मैन आपका एज ए लेबर होता है, आपकी जो भी मिलिट्रीज की आपकी कॉलेज हो चाहे ट्रेनिंग सेंटर हो, उसमें फटिंग मैन बोला जाता है। बाकी की FAD वगैरह में मजदूर या लेबर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये एक पोस्ट होती है फटिंग मैन, आपकी लेबर के टाइप की, पूरे कंप्लीट आपको वजन ढोने से लेके कंप्लीट जितनी भी लेबर या मजदूर में जो काम होता है वह आपसे करवाया जाता है, जिसमें अदर की 2 पोस्ट थी और आपकी OBS की 1 पोस्ट थी। टोटल 46 पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। उसके बाद में आपकी 2022 में आपकी 5 वैकेंसी पे आउट की गई थी, जिसमें गार्डनर की थी, इक्विपमेंट रिपेयर
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें स्टोनोग्राफर ग्रेड सेकंड के आपकी जो है उसमें रिटन टेस्ट है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट हैंडिंग और ओब्लिक टाइपिंग है। उसके बाद में सिविल इंस्ट्रक्टर की आपकी वैकेंसी की बात करें तो उसमें आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा और टाइपिंग टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, चार प्रकार का आपका इसमें रहने वाला है। उसके बाद में LDC की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और आपका उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट है। और बाकी के जो अदर ट्रेड फटिक मेन है इनका आपका पहले रिटन टेस्ट रहेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट ओनली रहने वाला है। आपका इसमें जो फटिक मैन वगैरह और जो मैसेंजर 10th लेवल का मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें आपका 100 नंबर का इसमें पेपर रहने वाला है। जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफाई मार्क्स रहेगा ओनली, उसके बाद में कुछ भी नहीं रहने वाला है। और आपका पहले आपका कई कैंडिडेट का कंफ्यूज था कि आपका दोनों चीज़ें साथ में करवाई जाएंगी किसी भी टेस्ट में, किसी भी ट्रेड में अभी पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, ओनली एग्जामिनेशन होने वाली है। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में जो रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद में आपका सेकेंड आपका पेपर है जो, या डिस्ट्रिक्टिव पेपर है या सेकेंड या थर्ड जो पेपर है टायर है वो आपका होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल भी। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पे आपका जो बेस रखा जाएगा, जिसमें 10th 12th और जो ग्रेजुएशन लेवल के जो पोस्टें हैं उसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो सिलेबस रहने वाला है। तो आप ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, इसमें अंश आपके अलग अलग रहने वाले हैं और जो माइनस मार्किंग है वो भी आपकी अलग अलग रहने वाली है, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी और आपका न्यूमेरिकल रहेगा और जनरल आंसर्स रहेंगे। आपके नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं या चाहे आपकी जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है, बाकी कि आपका सेम ही रहेगा, जिसमें रीजनिंग इंटेलिजेंस है और इंग्लिश आपका रहता ही है लगभग में। तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी के आपको मॉडल पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं और आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए स्टडी मटेरियल भी मैंने काफ़ी डाल रखा है उसके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं स्क्रीन पर आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, जो कि एक LDC कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है, वो आपको वह एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ कि आपका LDC के भी एडमिट कार्ड आने लगे हैं, CTI के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं, CMD के भी आ गए हैं, इक्विपमेंट रिपेयर के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो सभी के एडमिट कार्ड आने हो गए हैं, आने लगे हैं, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया था वो अपने करें और अपना एडमिट कार्ड जरूर शेयर करें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें कोलेटर फॉर Tier 1 रिटर्न टेस्ट के लिए आपका कोलेटर इशू हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी गोवा का यह निकला हुआ है, जिसमें 12 मई की डेट से आउट किया गया एम्प्लॉयमेंट अंडर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आपका दिया गया LDC पोस्ट के लिए है, कैटेगरी SC की पोस्ट से SC कैटेगरी सकते हैं। 19 जून को 12 बजे इनको बुलाया गया है, 6 TTR पुंडा गोवा में इनको गेट बुलाया गया है, जहाँ कि आपका Tier 1 रिटर्न टेस्ट का आपका होने वाला है। आप दूसरे सर नंबर के पॉइंट में देख सकते हैं इनको साफ मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें 71 और 71 से अबो कैंडिडेट जिसके हायर सेकेंडरी में मार्क्स हैं उन्हीं कैंडिडेट को आपको कोलेटर सेंड किए गए हैं और उन्हीं कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया गया है। तो आपको बिल्कुल भी मेंशन कर दिया गया है, किसी भी कैंडिडेट को बार बार में ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कितने परसेंटेज पर आपका मार्क्स आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, और यदि आपके 71 या 71 से अबो यदि SC कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, और आपका यदि नहीं आता है तो शायद आपने फॉर्म में गलती की है। तो आप कैंडिडेट देख सकते हैं और आप इंतज़ार करें हैं, जो भी कैंडिडेट SC के कैंडिडेट हैं वह 71 और 71 से अबो आपके कैंडिडेट के सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे यदि आपने फॉर्म में गलती नहीं की है। इसके बाद में आपने साफ मेंशन किया जो कि आपका Tier 1 पेपर है वह आपको इसी Tier 1 के लिए आपको बुलाया गया है, Tier 2 आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है एंड टाइपिंग टेस्ट है वह अभी आपका नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको अलग से आपको इंटीमेटेड किया जाएगा, सेपरेटली आपको अलग से कोलेटर भेजा जाएगा, आपको एक साथ में ही आपको एक इनवोप लेके जाना है जिसपे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ में उसके ऊपर आपको
एक पोस्टल स्टाम्प जिसमें आपकी 25 रुपये की पोस्टल स्टाम्प आप लगानी है, और उसके ऊपर टॉप में आपको इंडेक्स नंबर, जो आपका ऊपर इंडेक्स नंबर दिया गया होगा इसको लेटर का, और उसके बाद में आपकी पोस्ट वो लिखनी है, उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है उस लिफाफे के ऊपर टॉप में आपको लिखना है। जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप ऊपर में लिखते हैं, वैसे ही सेम आपको आपको 25 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ सेल्फ एड्रेस, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी साथ में मेंशन किया होना चाहिए, एक ना एग्जामिनेशन हॉल में आपको देना है। उसके साथ ही नहीं होने वाला है फिलहाल तो आपके, ये भी दिया गया टाइम पे आपको वहाँ पहुँचना होगा, यदि आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा। दूसरे दिन भी आपका, जैसे कई कैंडिडेट पहुँच जाएँ कि साहब मैं ऐसा गलती हो गया या कहीं दूसरी जगह एग्ज़ाम था, तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आपका ट्रेवल अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं देने वाला, और उसके साथ ही आपको एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है जो कि आपको वहाँ दिखानी होगी। उसके बाद में आपकी कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के अनुसार आपको वहाँ पे चलना होगा, जितने भी गाइडलाइन है प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार आपको चलना होगा। आप एडमिट कार्ड कंप्लीट आपके ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, जो भी कैंडिडेट एससी के हैं उनके 71 अबो से या 71 जिनके परसेंटेज हैं उनके कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो इससे क्लियर होता है कि आपके जो भी और एडमिट कार्ड आएंगे या एससी के जो भी, इसके अलावा अदर के और जिस भी अदर ट्रेड्स के एडमिट कार्ड आएंगे उनमें सब में मेंशन रहेगा। फिलहाल मेरे पास यही एडमिट कार्ड है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज भी आ चुके हैं जो आउट हो चुके हैं। मैंने आपका एक इक्विपमेंट रिपेयर का एडमिट ये एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था इक्विपमेंट रिपेयर का या अदर का एडमिट कार्ड है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपके कितने परसेंटेज से एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपके सभी के जितने भी इक्विपमेंट रिपेयर से अप्लाई किया है उनके सभी के एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे। आपने LDC का एडमिट कार्ड देखा है, उसमें पॉइंट है कि आपके कितने परसेंटेज से मार्क्स के आपके आधार पर आपके को लेटर निकाले जाएंगे, और इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका किस प्रकार से आपका कितने परसेंटेज पे आपका कोलेटर निकाला गया है। तो आपके जो भी इक्विपमेंट रिपेयर हैं उनके सभी के एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे। इसके अलावा जो भी CTI के CMD के ऐसे एडमिट कार्ड भी आपको सभी के इशू कर दिए गए हैं, कैंडिडेट के पास पहुंच भी गए हैं। जल्द ही आपको मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसके बारे में अपडेट करने वाला हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जो भी डिफेंस का स्टडी मटेरियल है टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, पिन मैसेज में है, आप बार बार में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पिन मैसेज में आप चेक करेंगे तो कम्प्लीट आपको ऊपर फाइलें मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी बुक का आपको सबसे बेस्ट बुक है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा उसके लिए। उसके बाद में आप जो करंट अफेयर है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिफेंस के एग्ज़ाम में आता है, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है आज के दिन भी चल रहा है उसी के बारे में, जो भी एग्ज़ाम के मारे जा रहे हैं उसके बारे में आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।